सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका अपना कुलवीर सिंह स्वागत करता हूं जी आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हर दिन की तरह आज फिर से एक नई वीडियो आप लोगों के लिए लेकर हाज़िर हुए हैं जी। और आज की वीडियो के लिए फिर से जो अपनी विज़िट है जी, वो गांव कमीनपुरा की है जी। केवल भाई के घर पर आज फिर से पहुँचे हुए हैं जी। सेल के लिए अवेलेबल हर बार गाय रहती हैं। पहले प्रॉपर एड्रेस बता देना चाहता हूँ जी, गाँव कमीनपुरा, तहसील श्री करणपुर और डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर, राजस्थान का एरिया जी। रूटीन में वीडियोस आप लोग अपने चैनल पर देखते रहते हो। हर बार की तरह आज फिर से जो 7 गाय आप लोगों को वीडियो में सामने में दिखाने जा रहा हूँ, सभी की सभी गाय, सभी दामों वाली गाय सेल के लिए अवेलेबल केवल जी के पास हैं। डिटेल बातचीत करेंगे, उससे पहले ओवरव्यू देखिए। और जो मेरे भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास वाला घंटी का बटन प्रेस कर दें। जो आने वाली जितनी भी वीडियोज़ अपने चैनल पर आती हैं, उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती जाएगी। आइए जी, आगे की बातचीत करते हैं केवल जी के साथ। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल भाई जी, कैसे हो केवल जी? बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। बढ़िया चाहिए। और काम काज, घर परिवार कैसा है जी? कृपा भगवान की जी, बाकी हमारे गुरुदेव रामदेव जी की। दोस्तों, पीछे मंदिर बना हुआ है। हाँ जी, भगवान रामदेव जी। हाँ जी, हाँ जी, सही है जी। हाँ जी, हाँ जी। और कृपा भगवान की अगर सर पर हाथ है, हाँ जी, तो सब कुछ बढ़िया ही। बिल्कुल, हाँ जी, सही है जी। हाँ जी केवल जी, सबसे पहले हर बार की तरह एक बार प्रॉपर एड्रेस और अपना कांटेक्ट नंबर बता दीजिए भाई साहब। सर, गांव मेरा कमीनपुरा। हाँ, जिला श्री गंगानगर, स्टेट राजस्थान। मोबाइल नंबर मेरा 99830 26830। ओके जी। केवल जी, रूटीन में वीडियोस लाते रहते हैं जी, हर बार सेल के लिए अवेलेबल गाय दिखाते हैं। सभी तरह की गाय रहती हैं। हाँ जी, चाहे वो कम दाम वाली हो, चाहे वो ज़्यादा दाम वाली हो, जैसी गाय की क्वालिटी उसी हिसाब से दाम। बिल्कुल, हर बार ये खास बात ज़रूर रहती है, कम दाम वाली गाय भी दिखाते हैं, ज़्यादा दाम वाली भी। कहने का मतलब, सभी तरह के जो अपने किसान भाई हैं खरीदने वाले, सभी के बजट का ख्याल रखें। हाँ जी, हाँ जी, इस बार तो सेल वाला काम कर देना जी। इस बार सेवा ही करनी है जी। सेल वाला काम कर देना, सेवा भी करनी है। सेल लगा दी। सेल ही लगा दी और सेवा भी करनी जी। बहुत अच्छी बात है जी। ऐसा क्या खास करने जा रहे हो जी आज? बस आज जो मेरे को भाव में मिली ना गाय जी। हाँ जी, ऐसे भाव मेरे को मिलते रहे तो मैं आगे किसानों को सस्ती देता रहूँ जी। अच्छा जी, अपने तो 2-3 ईयर गाय के पीछे लेना जी। हाँ जी, ठीक है, वो मेहनत है, बच्चे पालने हैं। हाँ जी, वो तो करना ही पड़ता है जी। सही है जी, वो तो अपना रोजी रोटी है। हाँ जी, ये धंधा है। आज वो 65-70 हज़ार वाला रेट छोड़ दिया। अच्छा जी, और आज नीचे बहुत आ गए। कितने के नीचे आ गए? आज 40 से स्टार्ट करेंगे जी। बस 40 हज़ार से स्टार्टिंग, ज्यादा से ज्यादा 55 हज़ार आज। 55 हज़ार, 55,000। हाँ जी, हाँ जी। और दूध उसमें कितना कितना रहेगा? दूध आज ही रहेगा 13-14 लीटर से स्टार्ट, 14 लीटर स्टार्ट रहेगा मान के चलो। ज्यादा से ज्यादा बस 16 लीटर। 16 लीटर। हाँ जी, कहने का मतलब, जैसे मैं 7 गाय देख रहा हूँ, सभी तरह की ब्रीड है इसमें। साहीवाल भी बोल सकते हैं, राठी में भी है। हाँ जी, हाँ जी। क्रॉस कहीं ना कहीं ब्रीड थोड़ी बहुत वो भी मिल जाएगी। हाँ जी, सभी तरह की ब्रीड मिलेगी। और ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे कोई भाई खरीदना चाहता है, वो तो हर बार की रहता ही, ऑनलाइन खरीदे ऑफलाइन खरीदे, सबसे बेटर तो यही है कि अपने गांव में आके विजिट करके खरीद के लेके जाए, फिर तो सबसे बातें अलग है। सही है जी। बाकी दाम के बारे में मैं अपनी तरफ से ये भी बोलना चाहूंगा कि कंपटीशन का समय है, है ना जी? चाहे तो कंपटीशन आपके व्यापार के समय के हिसाब से लगा लीजिए। हाँ जी, चाहे कंपटीशन लगा लें मेरे जैसे भाइयों की तरफ से। सही है जी, जैसे मर्जी समझ लीजिए। हाँ जी, अगर आपके गांव की बात करूं, मैं कल भी आपके गांव में आया था। हाँ जी, हाँ जी। आज भी आया हूं। हाँ जी, हाँ, और हो सकता है कि कल को फिर आऊं। कल को फिर पीछे एक वीडियो में मैंने बोला था कि हफ्ते में अगर 7 दिन हैं, तो 7 दिनों में 5 दिन मेरा चक्कर आपके गांव का रहता है। गांव का रहता है। तो अगर इतने भाई हैं आप जैसे काम करने वाले एक ही गाँव में, हाँ जी, तो अगर कुछ अलग करेंगे, दाम जायज होगा, गाय अच्छी होगी, तभी फिर उनमें से आगे बढ़ा जाएगा। हमारा मकसद कोई गाय बेचना नहीं है। हाँ, गाय का सेल पर जाने का काम नहीं है। हाँ जी, हमारा मुहिम है जो देसी गोवंश को बढ़ावा देने का। सही बात है जी। हर घर पे देसी गोवंश पहुंचाने का हमारा मकसद है जी। हाँ जी, हाँ जी, सही बात है। बात यह है कि जो बड़ा फार्मिंग वाले है, जो बड़े बड़े गायें लेने वाले है, ठीक है, वो कम होते हैं। जो अपने जैसे नॉर्मल परिवार होता ना, नॉर्मल किसान भाई ज्यादा किसान भाई होते हैं, वो गाय लेने उनके बजट में जो आती है। हाँ जी, घर पे उनके दो का सेल थोड़ी करना है, उनको तो अपने घर के लिए 13-14 लीटर दूध चाहिए, वो इतना के देसी गाय दे देती है जी। सही बात है जी। सही बात है। ओके केवल जी, फिर ज्यादा समय नहीं लेते जी, 7 गाय जो सेल के लिए अवेलेबल है, एक गाय जो आप बता रहे थे वो सेल हो चुकी है? सेल होगी महाराष्ट्र जी। महाराष्ट्र के लिए जाना? हाँ जी। बहुत अच्छी बात है जी। जो 7 गाय अपनी बाकी बच गई, वो चलाकर दिखाते हैं। बिल्कुल, साथ में बातचीत। हाँ जी, हाँ जी। दोस्तों, बातचीत काफी हो गई, इससे आगे गाय आप लोगों को चलाकर दिखाएंगे। पहली गाय आप लोगों के सामने आ चुकी है जी, मीडियम क्वालिटी की गाय मैं इसे बोलना चाहूंगा, क्योंकि हाइट भी मीडियम है, वजन वजूद भी इसका मीडियम है। डिटेल केवल जी से जानते हैं। हाँ जी केवल भाई, क्या डिटेल है जिसकी? भाई साहब, 2 दिन की ब्याई है, राठी नस्ल है इसकी। राठी में है, 2 दिन की ब्याई है। हाँ जी,
बच्चा क्या जी? बछड़ा जी इसके पीछे। बछड़ा, हाँ जी, हाँ जी। और दूध क्षमता कितनी का भाई? दूध क्षमता भाई साहब अभी दूध दे रही है 12 लीटर। अच्छा जी, दो दिन की भाई है, 12 लीटर दूध दे रही है। कितने पर जाएगी? दूध दे देगी 14 लीटर जी। 14 लीटर दोनों समय? हाँ जी, हाँ जी। निकालने वाला? निकालने वाला जी। और स्वभाव कैसा है जी? बहुत शांत स्वभाव की जी। अच्छा, प्यारा स्वभाव है? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सही है। बाकी दोस्तों आप लोगों के सामने भी आप लोग देख भी सकते हो कि स्वभाव शांत है, जैसे दो ही दिन की ब्याई है। कोई बच्चे का इसको नहीं है कि बच्चे के पास जाना है, आंचलों के ऊपर हाथ घुमाया भाई साहब ने। तो भाई साहब दाम इसका क्या रखा गया? कलवीर भाई दाम इसका 40,000 फिक्स प्राइस है। दूसरी बात ये है कि आज सुबह 5 बजे इसका दूध निकाला हुआ है। हाँ जी, आप 5 बज गए लगभग मेरे हिसाब से, ठीक है। कोई दूध रोका नहीं है। अगर मैं दूध रोक के इसका 55-60 हज़ार रेट करता, किसान मेरे से ले भी लेता, पर नहीं। आप ये इसका ऑर्डर दिखा सकते हो, जितना है उतना ही है, कोई दूध रोका नहीं है भाई साहब, चलाते जाइए जी। दोस्तों दूध के बारे में डिटेल भाई साहब ने बताई है कि जैसा ऑर्डर है वैसा ही रहेगा, कोई दूध रोकने वाली बात नहीं है। बाकी गाय की क्वालिटी आप लोगों के सामने है, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर है, ले जाइए भाई साहब, बांधिए। इससे आगे दूसरी गाय दोस्तों चलाकर दिखाएंगे। गाँव कमीनपुरा है जी, तहसील श्री करणपुर, डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर, राजस्थान का एरिया है। और थोड़े थोड़े दिनों के गैप पर आप लोग वीडियोज़ अपने चैनल पर केवल भाई के घर से देखते रहते हो। सेल के लिए अवेलेबल अच्छी अच्छी गाय हर बार रहती हैं। दूसरी गाय आप लोगों के सामने आ चुकी है जी, ऊंचा कदकाठ, बॉडी स्ट्रक्चर काफ़ी शानदार है। केवल भाई डिटेल बताते जाइए भाई साहब। साहिवाल में है ये? अच्छा जी, दूसरी बार बच्चे को जन्म दिया जी। ब्याई हुई है? हाँ जी, बछड़ा पीछे। दूसरे ब्यांत में कितने दिन हो गए जी ब्याई को? 15 दिन हो गए ब्याई को। 15 दिन की ब्याई? हाँ जी, हाँ जी। और बच्चा? बछड़ा। बछड़ा जी। दूध निकालने वाला कितना का है भाई साहब? 14 लीटर दूध रही है, आराम से दे रही है। अच्छा जी, 14 लीटर अभी। हाँ। खीस है कहने का? नहीं, खीस नहीं, मानो दूध ही मान लो। अच्छा, जी अगर अच्छी सेवा हुई। हाँ जी, तो 15-16 ले सकता जी। अच्छा जी, मैं 14 बोल के दूंगा जी, ऐसे झूठ नहीं बोलूंगा। ओके जी, ठीक है। अगर सेवा हुई, जैसे मेरे घर मैं तो व्यापारी बंदा जी, मैं तो तुम्हें किनको कितना खिला के पूरा नेता। हाँ जी, किसान भाई तो ये गाय लेगा वो तो अच्छी सेवा करेगा जी। सही है जी, जैसे सेवा करेगा वो दूध भी अच्छा लेगा जी इससे। केवल भाई क्या दाम रखा गया जी इसका? 55,000 है जी। 55,000, 55,000 दाम। हाँ जी, हाँ जी। और गाय बहुत अच्छी साहब है। मान सम्मान उसमें से हो जाएगा? 1,500 का जी। केवल जी वो अगर अपने अस्टाम वाली बात करूं तो इसका फिर कितना दूध अस्टाम पर लिखोगे जी? मैं 14 लीटर दूंगा जी। 14 लीटर जो बात रहेगी वो अस्टाम पर ही रहेगी। हाँ जी, हाँ जी। अगला सेवा करके इसका 16 भी निकाल सकता जी। सही है जी, वो तो चलो आगे की बात है जी, कल किसने देखा? कल किसने? सही है ना जी? नहीं, निकाल भी सकता साहब, ऐसी बात नहीं है। नहीं, वो तो हम लोगों ने बोल ही दिया कि वो खरीदने वाले भाई की केयर पर। हाँ जी, हाँ। अगर ज्यादा कर लेगा तो बढ़ जाएगी, अगर केयर नहीं करेगा तो फिर 10 लीटर। वो पहले वाली गाय की बात जी, इसका ऑर्डर मैं दूध रोक के इतना बड़ा ऑर्डर बना देता, देखने वाले को लगता भी यार गाय ठीक है, दूध वाली है, ठीक है। ऑर्डर कोई इसका दूध नहीं देखा, वही सुबह 5 बजे इसका दूध निकाला है, अभी 5 बजे का दोबारा टाइम हो गया जी। ओके जी, जैसा अब सुबह निकाला वैसा ही ऑर्डर अभी का ही। दाम कितना बताया था? 55,000 जी। ओके जी, ले जाइए भाई साहब, बांधिए। इससे आगे तीसरी गाय लेकर आई। इससे आगे तीसरे नंबर पर दोस्तों एक और गाय आप लोगों के सामने आ चुकी है जी, मीडियम हाइट की गाय ये है। चलाइए भाई साहब, थोड़ा सा घुमाते रहिए जी इसे। केवल जी ब्याई हुई है? ब्याई हुई है, इसके पीछे बछड़ा जी। ये भी काफ बछड़ा पीछे है, कौन से ब्यांत में जी? ये भी दूसरे ब्यांत में साहब। कितना समय हो गया जी ब्याई? इसको भी 2 दिन हो गए जी। अच्छा, काले वाली और दोनों एक दिन ही ब्याई है जी। ओके जी, और खीस कितनी का है अभी? अभी इसके नीचे भी 11-12 लीटर है जी। 11-12 लीटर। हाँ जी। और ब्रीड कौन सी? राठी? राठी है जी, चोलिस्तानी राठी है। चोलिस्तानी राठी। हाँ जी। केवल जी चोलिस्तानी का थोड़ा सा जानना चाहूंगा जी, क्या कारण? चोलिस्तानी कोई ब्रीड है या कोई एरिया है जहाँ की गाय रहती है जैसे बोल दिया जाता है? चोलिस्तानी ये पाकिस्तान की ब्रीड कहते हैं, जैसे हमारे ये पाकिस्तान बॉर्डर नजदीक है बिल्कुल। हाँ जी, अपने है 7-8 किलोमीटर दूर है ये हमारे। सही है जी, ठीक है। जो बॉर्डर के नजदीक गाँव है ना जी। हाँ जी, उनसे लेके आते हैं ये गाँव में। ओके, ढूंढ ढूंढ के। ठीक है जी। केवल जी क्या डिटेल इसकी दूध की रहेगी जी? ऐसा अभी तो 11-12 लीटर दे रही है। अच्छा जी, 13-14 लीटर, 14 लीटर आराम से दे देगी। 14 लीटर पर दोनों समय का दे देगी। हाँ जी, हाँ जी, जी। और दाम कितना का रखा गया जी? इसका 42,000 जी। 42,000, 42,000। अभी तो सब बछड़ी है ये। हाँ, दिखने में पता चलता है कि प्यारी भी है। हाँ जी, बॉडी की तरफ से भी बिल्कुल फिट है। हाँ, रंग रूप की तरफ से आने वाले टाइम में भी काफी शानदार है। हाँ जी, आने वाले टाइम में जिस टाइम गाय तैयार होगी ना, हाँ जी, उस टाइम किसान भाई जो लेगा ना वो याद करेगा भी कहीं से मैंने गाय खरीदी थी। ओके जी, हाँ जी। दाम 42,000। हाँ जी, 42। उसका पैसा 42,000 लगा, उसका वेस्ट नहीं जाएगा जी। नहीं, वो तो है, अगर काम लंबे समय तक करना है ना जी। हाँ जी, हाँ जी। लंबे समय तक टिके रहना है। हाँ, तो फिर साफ सुथरा काम करेंगे तभी बिल्कुल, नाम बनेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बिल्कुल। नाम बनाने को समय लगेगा, अगर गवाने पर आ गए तो मेरे हिसाब से तो कुछ पल भी नहीं लगता है ना, टाइम लगेगा नहीं जी। सही है जी। इससे आगे चौथे नंबर पर दोस्तों एक और गाय आप लोगों के सामने आ चुकी है जी, रंग रूप हूबहू जैसे इससे पहले जो गाय आकर गई उसके जैसा है बिल्कुल। क्वालिटी वाइज उससे
थोड़ी बहुत मैं यही बोलूँगा कि अच्छी भलाई है, कोई नीचे नहीं है, कद काठ भी थोड़ा सा बड़ा है उससे, और ब्याने के लिए अभी समय पड़ा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी केवल जी, क्या डिटेल है जी? भाई साहब ये दूसरी बार बच्चे को जन्म देगी। कितना समय है जी? एक महीना बाकी है जी। एक महीना बाकी है। दूसरी बात ये है अभी दूध दे रही है। अच्छा दूध भी दे रही है? दूध दे रही है, 2-2 लीटर दूध दे रही है। अभी चाहे चलती वीडियो पर निकाल के देख सकते हैं जी। केवल जी फिर ये तो बहुत खास गाय मैं बोलना चाहूंगा। हाँ जी, क्योंकि देसी ब्रीड में थोड़ा सा ये रहता है। हाँ, ये इसलिए मैं देसी ब्रीड की गाय लेके आया हूँ कि देखने वाले भाई को लगे भी ठीक है। सही है जी। अभी मैं ड्राई कर रहा हूँ इसका दूध का। हाँ जी ठीक है। मैं तो लीटर निकालने लग गया जी, जिस टाइम मैं घर पे किसान के घर से लेके आया था ना। हाँ जी, 2-2 लीटर टाइम का दूध निकाल के लेके आया था इसका। केवल जी जैसे कुछ समय मैंने वेटनरी प्रैक्टिस की है, मैं पशुओं का डॉक्टर रहा हूँ कुछ समय के लिए। हाँ जी, हाँ जी। एक जो किसान पुराने समय से पशु रखता है घर पर, हाँ जी, उसके हिसाब से अगर सोचें तो ये अब तक इसे ड्राई हो जाना चाहिए था। ड्राई हो, अगर 2 महीने का समय ब्याने से पहले ड्राई हो जाए पशु, ये तो वो आगे आने वाले ब्यांत के जो अच्छी नस्ल की गाय होती ना जी, वो कम ही ड्राई होती है। उसको तो अपने आप करना पड़ता है। अभी जैसे मैं कर रहा हूँ उसको, ताजी भाई कितना दूध दे देगी भाई? ताजी भाई साहब किसानों ने बोला, अपने घर के तो है नहीं जी। हाँ जी ठीक है, किसानों ने बोला कि 12-13 लीटर दूध निकाल रहे थे इसका ही। ओके जी। हाँ जी, और दाम क्या रखा गया जी? अभी दाम इसका ये 45,000। 45,000 फुल एंड फाइनल? हाँ फाइनल आइए इसका तो। ओके जी, ले जाइए भाई साहब, बांधिए, इससे आगे पांचवी गाय ले आइए। पांचवें नंबर पर दोस्तों एक और गाय आप लोगों के सामने आ चुकी है जी। क्वालिटी देखिए, बिल्कुल पतली चमड़ी वाली है, धूप में चमड़ी चमक रही है इसकी, आप लोग सामने देख सकते हो। केवल भाई क्या डिटेल है जी? भाई साहब इसने दूसरी बार बछड़ी को जन्म दिया जी। कितने दिन हो गए जी? आज 7 दिन हो गए ब्याई को जी। 7 दिन की ब्याई? हाँ जी। और बच्चा बछड़ी? बछड़ी है जी। हाँ जी। ओके जी, दूध कितना जी? अभी 13 लीटर खीस तैयार है इसके। 13 लीटर खीस? हाँ जी खीस तैयार है। 2-4 टाइम मिल्किंग करवा सकते हैं इसकी। अच्छा जी। हाँ जी, कितना दूध दे देगी केवल भाई? ये दूध दे देगी 14 लीटर दे देगी। 14 लीटर दोनों समय? बिल्कुल। हाँ जी। और दाम क्या रखा गया जी इसका? दाम इसका 42,000 फिक्स जी। इसका भी 42,000 42,000 बिल्कुल ही बिल्कुल। दाम छठे नंबर पर दोस्तों एक और गाय आप लोगों के सामने आ चुकी है जी। बहुत खास गाय है ये, वो आप लोगों को अभी दिखा देते हैं कि ये गाय खास क्यों है। आप लोग इसका स्वभाव देखिए कि कितना प्यारा स्वभाव है। और जो चीज़ अभी आप लोग सामने देख रहे हो जी, गाय शांत स्वभाव की गाय तो आप लोगों ने देखी होगी, लेकिन इतना शांत स्वभाव आपने पहले इससे पहले कभी भी मेरे हिसाब से नहीं देखा होगा जी। केवल जी डिटेल अब इस गाय की। हाँ जी, केवल जी स्वभाव तो इस गाय का देख लिया जी, अब इस गाय की डिटेल भी बताइए जी। साहब पहली बात तो है मीणी। हाँ जी, तो दूसरा नंबर है साहिवाल। सिंह हिलते हैं भाई साहब, है ना जी? हाँ जी, हाँ जी। ओके जी, और कौन से ब्यांत में? दूसरे ब्यांत में जी। कितना समय अभी पड़ा है जी इसका? ये 20-25 दिन बाकी है। 20-25 दिन? हाँ जी, हाँ जी। और दूध कितने की वाली रहेगी भाई? दूध दे देगी साहब 16 लीटर ही। 16 लीटर बिल्कुल बिल्कुल। और केवल भाई दाम क्या रखा गया जी? दाम इसका ये 51,000। 51,000। हाँ जी, हाँ जी। मान सम्मान उसमें से हो जाएगा? बस ऊपर वाला 1,000 ही होगा जी। दूसरी नंबर ये बात है गलवीर भाई, ये भी ड्राई किया मैंने दूध पे, 2-3 दिन हो गई, अभी ये भी दूध दे रही है। केवल जी खास बात जो अभी हम लोगों ने दिखाई, वैसी बात सभी जगह पर देखने को मिलती भी नहीं है। हाँ ना जी, जी? साहब मेरा तो वेट ज्यादा निकल तो मैं भी जाता इसके नीचे से। सही बात है, ये आपने अच्छी बात बोली है जी। जैसे मर्जी बैठे रहो जी। ओके जी, मेरे से निकल नहीं जाएगा देखो। चलो कोई बात नहीं, केवल भाई बच्चा गुजर गया, आप गुजर गए, एक ही बात है जी। ले जाइए भाई साहब, बांधिए, अंत में वाली गाय इससे आगे लेकर आइए। इससे आगे 7वें नंबर पर दोस्तों आखिरी गाय आप लोगों के सामने आ चुकी है। दिखने परखने में ये भी बहुत प्यारी है और स्वभाव मेरे को इस गाय का भी बहुत शानदार लग रहा है। बहुत ही। केवल भाई क्या डिटेल है जी? भाई साहब ये दूसरी बार बच्चे को जन्म दिया इसने। ब्याई हुई है ना? हाँ जी, हाँ जी। राठी नस्ल हो गया जी ये? 7-10 दिन हो गई। 10 दिन हो? हाँ जी। बच्चा क्या जी? बछड़ी है जी। बछड़ी है? हाँ जी, हाँ जी। और ब्रीड राठी? ब्रीड राठी है जी। कितना दूध वाली है जी ये? दूध सर अभी 13-14 लीटर दे रही है। 13-14 लीटर चलाइए भाई साहब, थोड़ा सा घुमाइए जी इसे। और दाम केवल भाई क्या रखा गया जी इसका? दाम भाई साहब इसका 45,000 फिक्स है जी। 45,000 45,000 फिक्स? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और क्वालिटी वाइज गाय अच्छी है? बहुत अच्छी गाय है साहब। बात करें जहाँ आंचल का साइज जो गैप है वो भी बहुत शानदार है, गाय भी प्यारी है। केवल जी ये होगी जी अपनी आज बड़ी गायों की। हाँ जी, हाँ जी। सभी की सभी 7 की 7 गाय चला कर दिखा दी, और गारंटी अपनी वो ही पहले वाली रही, जैसे हम लोगों ने बीच में बात भी की कि जिस गाय की गारंटी पीछे से आई है उसकी गारंटी आगे भी दी जाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और नॉर्मल गारंटी वो बातों वाली गारंटी यहाँ नहीं दी जाती। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर जो गारंटी दी जाती है वो स्टाम्प पेपर पर दी जाती है। हाँ जी। और जो बात है वो हर जगह नहीं मिलती, वो नहीं मिलती। सही है जी? नहीं मिलेगी। केवल जी अच्छा रिस्पॉन्स देखने वाले भाइयों की तरफ से मिल रहा है आपकी वीडियोज को, काफी प्यार दिया जाता है। और कोई चंद बातें और है जो आप खास बात करना चाहो? चंद बात तो यही है भाई साहब, मैं तो पिछली बार भी कहा कि वो अपने कहते हैं ना एक कहावत है जी। हाँ जी, बेईमानों के शहर में ठग कभी भूखे नहीं मरते। अच्छा जी,
मेरे कहने का मतलब ये है जी, लोग लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। हाँ जी। जैसे ये कहते 500 किलोमीटर का ट्रांसपोर्ट फ्री सही एक गाय के साथ, वही बात कलवीर भाई मेरा पहले कोई कहने का मतलब यही था कि लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। हाँ जी। 5-7 हज़ार वाली गाय लेके ठीक है उसको 20-25 हज़ार में ट्रांसपोर्ट भी फ्री करते हैं। महंगा रोवे एक बार सस्ता रोवे बार बार। हाँ जी वही कहावत है जी। सही है जी। ओके केवल जी, अंत में प्रॉपर एड्रेस और फोन नंबर एक बार फिर से। गांव मेरा एक कमीनपुरा, जिला श्री गंगानगर, स्टेट राजस्थान जी, तहसील करनपुर। फोन नंबर, मोबाइल नंबर 9 830 26 830। धन्यवाद जी, बहुत अच्छा लगा बातचीत कर। धन्यवाद।